1280 किलोमीटर्स की जर्नी है, 20 से ज़्यादा हॉल्ट्स हैं, और जितने हॉल्ट्स हैं यदि आप उनका ड्यूरेशन काउंट करेंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 60 मिनट्स। और चेन्नई एक्सप्रेस की रफली स्पीड है, एवरेज स्पीड जो है वो है 55 किलोमीटर्स पर आवर। ये मैंने आपको इस पूरी जर्नी की एक जिस्ट दे दी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पूरा व्लॉग। आई होप यू आर रेडी। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आराम से देखिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग टू साउथ। शुरू करें, रेडी सेट। एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, हैप्पी जर्नी टू यग्मा। चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में आई एक बॉलीवुड फिल्म जिसको डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। आई एम श्योर आप सबने वो मूवी देखी होगी, बट क्या आप जानते हैं उस मूवी में दिखाया गया है फ्रॉम मुंबई टिल रामेश्वरम की ट्रेन जर्नी, बट एक्चुअली मुंबई से रामेश्वरम की कोई डायरेक्ट ट्रेन है ही नहीं। अब देखिए, मुंबई से दो चेन्नई एक्सप्रेस जाती हैं। पहली जाती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से, वो है 11041 जो एवरीडे रन होती है, वो जाती है चेन्नई सेंट्रल। और दूसरी है 12163 जो जाती है चेन्नई एगमोर, और ये भी एवरीडे चलती है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 12163 दादर टू चेन्नई एक्सप्रेस। अब बात करते हैं इस चेन्नई एक्सप्रेस के कोचेस की और कॉस्टिंग की। इसमें एक फर्स्ट एसी क्लास कम सेकंड टायर है, जिसकी फर्स्ट क्लास की कॉस्ट है ऑलमोस्ट 3700। वन एसी टू टायर है, आज मैं एसी टू टायर में ट्रैवल कर रहा हूँ, इसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 2175। तीन एसी थ्री टायर है और उसकी कॉस्ट है 1500। आठ स्लीपर कोचेस हैं जिसकी कॉस्ट है 570 रुपीज़। और दो सेकेंड क्लास सीटिंग है और इसमें पेंट्री कार है, बट मैं आपको बता दूं इसमें फूड इंक्लूडेड नहीं है। टाइमिंग्स की बात करें चेन्नई एक्सप्रेस की, तो ये एवरीडे चलती है और यहाँ से मुंबई से यानी कि दादर से चलती है रात को 8:30 बजे, और हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट 1280 किलोमीटर्स, और हम पहुँचेंगे कल शाम को लगभग 8 बजे के आसपास। और वहाँ से चेन्नई से चलती है एज 12164 सुबह 6:45 AM को, और आप अगली सुबह आ जाएंगे लगभग 6 बजे के आसपास। दोनों तरफ से आप मान के चलिए 23 आवर्स 15 मिनट्स की जर्नी, और डिस्टेंस है 1280 किलोमीटर्स। गाइज, दिस इज़ शार्प 8:30। हमारी एक और ट्रेन जर्नी शुरू हो चुकी है, बट ये बहुत लंबा सफ़र है, काफ़ी स्टॉप्स हैं, तो इसमें आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट। इसमें आपके लिए है ढेर सारा इंफोटेनमेंट। फिर से मैं आपको बता दूं, बिकॉज स्टॉप्स ज़्यादा हैं तो कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, बट आपको हर बार की तरह मज़ा आएगा।